हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाना, तो आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बनाऊंगा आधा किलो सूजी से एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे। एकदम आप लोग देख सकते हैं हमारा कैसा ये हमारा गोलगप्पा बना है, एकदम आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ एक कैसा है, ये देखो। अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं ना कि हमारा पानी पूरी नरम हो जा रहा है, क्यों नरम होता है उसका अगर आप लोगों को सीक्रेट राज पता करना है, तो ये वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा स्पेशली कि नरम क्यों होता है सबसे खास बात। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये हमारा देखो, सबसे पहले ये हमारा आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा आधा किलो मीडियम वाली सूजी है और ये करीब करीब 100 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। ये देखो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आटा है कि मैदा है, तो ये आटा है, गेहूं का आटा है। और उसके बाद ये हमारा खाने का सोडा, और यही तीन चीज से ही बनाएंगे ये सूजी आटे का गोलगप्पा। उसके बाद सबसे पहले देखो, ये हमारा जो सूजी है हम इसको ले लेंगे निकाल के, और उसके बाद इसमें हम 100 ग्राम वही गेहूं का आटा जो मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, यही तीन चीज़ से ही बनाऊंगा। और यही तीन चीज़ सबसे खास है और जो है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसकी पड़ेगी ये तीन चीज़ के। बाकी जो है बेसन है, चने का बेसन है, आप लोग अपने हिसाब से समझ में आने के बाद से फिर आप उसमें मिला सकते हैं। ये आधा किलो हमारा सूजी पूरा राइट, ये हमारा आधा किलो, और ऊपर से हम डालें 100 ग्राम इसमें गेहूं का आटा, और उसमें उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 से 3 ग्राम करीब खाने का सोडा। ये हिसाब से ये हो गया हमारा मीठा सोडा, देखो ये मीठा सोडा हमारा है। उसके बाद अब इसको हम अच्छे से एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सब मिक्स हो जाए बढ़िया से एकदम। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगाना है। ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी है, ये थोड़ा भी गर्म, ये सोचे कि मतलब गर्म होगा गुनगुना गर्म, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एकदम नॉर्मल पानी है। ये नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेना है, और कभी भी इसमें जब इसका आटा लगाओ तो एकदम थोड़ा थोड़ा इसका पानी डाल के इसका आटा लगाना है कभी भी। देखो ये हिसाब से, अब ये हिसाब से इसका हम आटा लगा लेते हैं फटाफट। उसके बाद देखो, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब बहुत ही कम पानी डाल के इसको आटा लगाना। और अभी तो फिलहाल में अब देखो मौसम गर्म है, समझो गर्मी होने लगा है, अब ये इसमें ऐसे टाइम में इसका आटा टाइट ही लगाना है। ये नहीं कि सर्दी में जो लगा रहे थे वैसा आटा लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि अब गर्मी होने लगा है। अब ये हिसाब से अब इसका आटा हम लगा लेंगे एकदम अच्छे से बढ़िया से, ताकि एकदम हमारा आटा फर्स्ट क्लास रेडी हो। अब ये हिसाब से देखो, थोड़ा थोड़ा पानी डाले हैं, और देख, और एक चीज़ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका जब आटा लगाओ तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आटा इसका लगा के रख दो। उस जितना जल्दी आटा लगाएंगे उतना ही बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। कि अगर ये सोचेंगे कि मतलब 4 मिनट 5 मिनट इसका आटा लगाए तो ये ख़राब हो जाएगा, मुश्किल से जितना जल्दी हो सके 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में हो जाए तो सबसे बढ़िया और बढ़िया फुली फुली क्रिस्पी करेंची ही बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आटा लगाए। देखो ये तरीके से आटा लगाना है। आटा लगाने के बाद अब इसको हम छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट, ताकि हमारा जो सूजी है ना अच्छे से एकदम बढ़िया फूल जाए, और जितना बढ़िया फूलेगा उतना बढ़िया आपका गोलगप्पा पानी पूरी पुचका पानी पतासा भी आपका फूलेगा एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। अब ये हो गया हमारा आटा लग के एकदम फाइनली रेडी, अब आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा पॉलीथीन के अंदर, ये ऐसा पॉलीथीन के अंदर इसको भर के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए। बस अब ये हो गया हमारा देखो फाइनली रेडी। अब इसको हम ये ऐसा पॉलीथीन में अब इसको हम ऐसा भर के छोड़ देंगे बस।
अभी ऐसा इसको हम अब 20 मिनट के कम से कम 20 मिनट के बाद इसको हम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको मसल के बनाएंगे इसका पेड़ा। अभी हमारा आप लोग देख सकते हैं 20 मिनट हो गया रखने के बाद, अभी इसको हम निकालेंगे बाहर, और बाहर निकाल के इसको हम मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे, और ये हिसाब से अगर आप लोग भी बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट, एकदम गोलगप्पे वाले जैसा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गोलगप्पे वाले बनाते कैसा है, तो सेम वैसा ही बनेगा आपका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि मतलब वीडियो तो सबसे खास बात तो सही सलामत तो वीडियो नहीं देखते हैं कि मतलब उसमें क्या मिलाना है, क्या डालना है, और जो ही मिला घर में वही डाल के बनाना शुरू कर दिए। बाद में बोलते हैं मेरा गोलगप्पा नरम हो गया, लेकिन नरम होने का वजह क्या है कभी ये आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। आप लोग कभी भी ये जब ऐसा आप लोग मसलने के बाद, मैं वो चीज़ बताऊंगा कि नरम कहाँ होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ सबसे ख़ास बात जब अच्छे से आप लोग शुरू से आखिरी तक वीडियो देखो उसके बाद बनाओ, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देखने के बाद उसमें जो ख़ास बात रहती है वो निकल गई, बाद में क्या पता चला हाँ गोलगप्पा मेरा बन के देखो रेडी हो गया। तो उससे अच्छा कभी भी आप अच्छे से देखो समझो उसके बाद बनाओ। और ये देखो हमारा पेड़ा, ये पेड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट आटा हमारा हो गया रेडी। और कितना टाइम, सिर्फ एक मिनट मुश्किल से मसले हैं। अब उसके बाद हम देखो ये हिसाब से ले लिए पटरी, और इस पे दबा के इसका कटिंग कर लेंगे, ताकि पेड़ा जो है हमारा गोली लोई जो है एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बने। ये हिसाब से इसको हम दबा के ये अब इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको जब हम कटिंग करने के बाद भी देखो कहाँ, ये नहीं कि मतलब ऐसा कटिंग करके रख दिए बस हो गया। इसको कटिंग करने के बाद इसको वापस से फिर पॉलीथीन में ही भर के रखना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना शुरू से आखिरी तक। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, अभी देखो ये हो गया कटिंग, कटिंग होने के बाद अब इसको हम भर के वापस पॉलीथीन में ही रखेंगे। ये हिसाब से ये अब देखो वापस पॉलीथीन में फिर आ गया आटा लगा, तो पॉलीथीन के अंदर भर के रखे, और कटिंग करने के बाद भी पॉलीथीन के अंदर। अब इसे आप लोग सोच सकते हैं। उसके बाद अब इसका हम बना लेंगे पेड़ा। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेड़ा बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानीपुरी का, थोड़ा भी अगर दिल में है चाहत कि मैं भी बनाऊँ पानीपुरी वाले जैसा गोलगप्पा, तो आप लोग ये हिसाब से अगर बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। देखो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हमारा लोई, हमारा पेड़ा, हमारा गोली जो है कैसा, इसका साइज आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हिसाब से हम इसका पेड़ा पहले बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर क्या मिलाना और कैसे कैसे करना कि आपका पानीपुरी गोलगप्पा नरम बिल्कुल ना पड़े। अब ये आप लोग देख सकते हैं हमारा पेड़ा एकदम देखो कैसा बना है, और इसका साइज मैं पहले भी बताया हूँ, आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि एक साइज का ही बने। जब एक साइज का ही बनेगा ना तो आपका जो गोलगप्पा है चाहे जैसा भी बनेगा तो एक साइज का ही बनेगा। अब ये पेड़ा बनाने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे ये हमारा जो गेहूँ का आटा मैं दिखाया था आप लोगों को, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि इसमें मिलाना पड़ेगा एकदम आखिरी में, इसलिए हम लोग देखो एक गेहूँ का आटा इसके अंदर हल्का सा मार देंगे ताकि ये हमारा पेड़ा एकदम परफेक्ट बन के हो जाए रेडी। ये है असली तरीका। और नरम क्यों होता है उसका अगर आप लोगों को राज जानना है तो ये वीडियो अच्छे से समझना और एकदम देखना पड़ेगा। सबसे खास बात मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका गोलगप्पा आज के बाद नरम नहीं होगा चाहे कैसा भी बनाओ। लेकिन जब ये वीडियो देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ सही बात है। लेकिन आप लोग जब वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आए, और जबकि इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा उसका असली वजह क्या है। और इसमें और दूसरा कुछ नहीं, आप लोग सोचते होंगे कुछ पाउडर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब उसके बाद चलो अब इसको हम बेलेंगे, और कैसे बेल के रखना है सबसे खास बात वो भी बताऊंगा मैं। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बेलना शुरू हो चुका है। ये हमारा बेलने का तरीका कुछ ऐसा है, ये तरीका आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग एक साइज का, मैं पहले बताया हूँ कि आप लोग जब एक साइज का पेड़ा बनाएंगे तो आपका गोलगप्पा जब बेलेंगे तो वो भी एक साइज का ही बनेगा।
और जब एक साइज का ये बेलेंगे तो आपका जब फूलेगा तो उसके बाद एक साइज का ही बनेगा कभी भी। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि आप एक साइज का ही बनाएं, चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए, जैसा दिल में आए वैसा अपने हिसाब से आप लोग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, छोटा बनाएंगे छोटा बन जाएगा, और यही है असली तरीका। और इसका जब नरम क्यों होता है उसका खास राज मैं बताऊंगा अभी, जब मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा कि हाँ सही है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और वो कोई नहीं बताएगा सिवाय पानी पूरी वाले से, दूसरा चाहे कितना भी वीडियो आप लोग देख लो उसको खुद नहीं पता है कि मतलब पानी पूरी नरम क्यों होता है, छोटा बड़ा क्यों होता है, एकदम गोल गोल क्यों नहीं फूलते हैं। ये असली राज सिर्फ पानी पूरी वाला ही बता सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा, जब तक अच्छे से देखेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बेलन है, सबसे खास बात तो बेलन जो भी हमारा आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा पानी पूरी बेलने का स्पेशल बेलन है ये। इससे दूसरा कुछ काम नहीं है, सिर्फ पानी पूरी बेलने के लिए ये बेलन लेके आए हैं। ये है हमारा स्पेशल बेलन, और हम लोग जो बेल के रखते हैं ये साइज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सही है कि गलत है। और इसको बेलने के बाद कम से कम मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ कम से कम एक से डेढ़ घंटा इसको छोड़ देना है अच्छे से ढाक के, हवा बिल्कुल भी ना लगे। उसके बाद अभी जब मैं फ्राई करूँगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि मतलब हाँ हमसे कितना बड़ा गलती हो रहा है। अगर ये परेशानी से आप लोग बचना चाहते हैं कि आपका पानी पूरी एकदम क्रिस्पी क्रंची बने, नरम ना पड़े, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं पानी पूरी हमारा फ्राई हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है। अगर ये हिसाब से अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ना पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाना, तो बिल्कुल आसान तरीका बताया हूँ आप लोगों को कि मतलब जो मैं आप लोगों को बता रहा था नरम क्यों हो रहा है, क्यों होता है नरम, उसका राज आप लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कभी भी आप लोग बेलने के बाद कितना देर रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और वही रखने का जो है ना आप लोग जब उसको एक लिमिट में रखेंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। देखो ये जो हमारा रखने का तरीका है, ये हम कितना देर रखें कम से कम मैं पहले ही बताया हूँ कि आप लोग कम से कम एक घंटा छोड़ो, उसके बाद फ्राई करो। जब तक आप लोग एक घंटा, और बीच बीच में उसको चेक करना पड़ेगा कि मतलब हाँ हमारा फूल रहा है सही से कि नहीं फूल रहा है, उसके बाद ही फ्राई करें। और एक चीज़ और, उसके बाद जब इसको फ्राई करो आप लोग कभी भी, तो इसका आप लोग देख सकते हैं हमारी भट्टी कैसी जल रही है एकदम बारूद के जैसा एकदम लग रहा होगा। आप लोगों को इधर से दिखाऊं, देखो कितना तेज है गैस से, समझो गैस से तेज है। और गैस पे भी अगर फ्राई करेंगे तो भी नहीं बनेगा, और तेल जितना अच्छा बढ़िया गर्म रहेगा उतना ही बढ़िया आपका पानी पूरी गोलगप्पा फूल के आएगा। देखो कैसा फूला है एकदम ज़बरदस्त, ये देखो इधर से ये है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो बनेगा, अगर थोड़ा भी लापरवाही किए तो पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ आज भी बता रहा हूँ कि आप लोग जब अच्छे से ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए और एक घंटा बेल के रख दो, उसके बाद उसको फ्राई करो तो ऐसा ही बनेगा एकदम ज़बरदस्त। आप लोग देख सकते हैं कैसा फूला है ये ज़बरदस्त, ये है असली तरीका। अगर ये हिसाब से आप लोग बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।